दोस्तों, अभी अभी माइनक्राफ्ट की दुनिया में कुछ लोगों के टॉयलेट्स ने उठ के भागना चालू कर दिया है। पता नहीं कैसे, बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे सबके टॉयलेट उठ के भाग रहे हैं। एंड जो जो प्लेयर्स इस माइनक्राफ्ट सर्वर में खेल रहे हैं, प्लीज सावधान रहना, वरना तुम लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। चलो टीवी बंद करते हैं। और भाई, ये आज मैंने कैसी न्यूज देखी भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मुझे नहीं समझ रहा ये न्यूज सच थी कि फेक। ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों के टॉयलेट कैसे चल सकते हैं भाई? कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जाने तो मुझे क्या भाई, मेरे घर में तो टॉयलेट है भी नहीं। और लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग हमला भी कर रहे हैं सबके ऊपर, मुझे नहीं पता। तो चलो यार, राहुल और डैश से पूछते हैं कि भाई इनको क्या पता चला है उस चीज के बारे में। तब तक यार मैं अपने घर को थोड़ा देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ चोरी वोरी तो नहीं हुई ना, क्योंकि यार पिछले हफ्ते मेरे घर में चोरी हुई थी, जिसका यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और मेरा गार्डन भी सही है। और भाई, अभी राहुल और डैश भाई काम कर रहे होंगे हमारे ये छोटी सी विलेज बनाने के लिए। अभी हमारे ये विलेज के अंदर सिर्फ दो चीजें बनी है, जो की एक है ये ट्री हाउस, बहुत बड़ा सा, जो की यार बहुत ज्यादा गजब दिखता है, और ये लोग शायद इधर ही काम कर रहे होंगे। और ये जगह तो हम तीनों ने मिलकर बनाया था, ये हमारे विलेज का गार्डन, और इसके अंदर भाई हम लोग बिजनेस भी करने वाले हैं बाद में, क्योंकि यार ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है मुझे। तो यार जल्दी से इन लोग को ढूंढता हूँ मैं, ये लोग किधर गए। अरे यार डैश और राहुल भाई, तुम लोग कहाँ हो? अरे फ्लिक, इधर ऊपर देख भाई, क्या कर रहे तू? रुक जा, मैं ही आता हूँ नीचे। अरे क्या हो गया भाई? वाटर बकेट क्लच भाई, इनविजिबल वाटर। अरे क्या हो गया यार भाई? मैं अच्छे से माइनिंग कर रहा था। अरे मैं अभी अभी टीवी देख के आया हूँ, और भाई मुझे कुछ भयानक सी न्यूज पता चली है, बोल रहे लोगों पर टॉयलेट भाग जा रहे हैं चल के। अरे हाँ, ऐसा न्यूज वैसे सुना था मैंने कहीं पर, मुझे अफवाह लगी थी। भाई मैं यूज ही नहीं करता यार, मैं भाई यूज तो मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन वो लोग हमला कर रहे हैं सबके ऊपर पता नहीं क्यों बेफालतू में। और मुझे नहीं पता कि हम लोग उससे कैसे बचने वाले हैं अगर वो हमारे ऊपर आए तो। भाई इतना छोटा सा टाउन बनाया हमने, अभी इसको एक्सटेंड भी करने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर अटैक हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? भाई देख, वैसे भी खोने के लिए कुछ है नहीं भाई, ये कौन सा गंदा सा टाउन है। वही तो, ऐसा टाउन है, छी चलते यहाँ से छोड़ के हम लोग। नहीं भाई, ये वाली जगह हम लोग नहीं छोड़ सकते। भाई तुझे क्या लगता है, हम लोग इतनी मेहनत से बनाई हुई जगह को छोड़ के चले जाएंगे क्या? हाँ यार भाई, बात तो सही है, लेकिन अब क्या करेंगे यार, अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे सबके सब तो। चलो अपने काम पे लग जाओ। अरे अबे ये क्या है? अबे मुझे भाई मारो। ओ भाई, अबे तुमने इसको मार दी थी? अबे भाई इसको नहीं मारना था यार, ये अब पूरी टोली आने वाली है इनकी। अरे यार यही तो नहीं करना था, ये तो सच में ऐसा ही कोई आदमी की बात हो रही थी यार, मैंने देखा था जहाँ पे। अरे यार ये क्या था भाई, ये तो कुछ भी नहीं था यार, एक गोली में मर गया, इससे कोई डरने वाली बात ही नहीं है भाई। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने टीवी में पता है क्या देखा था, कि ऐसे कम से कम 10-15 हजार है जो कि एक साथ घूम रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से अकेला आ गया था जिसको तुमने मार दिए। अब भाई ऐसा भी हो सकता है, शायद बहुत सारे आ जाए तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, लगता है हमको यहाँ पे एक सिक्योरिटी बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन यार वो भी बनाना बेकार है, क्योंकि 10 हजार भाई तूने कब किया? लेकिन यार हमको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर वो लोग आ गए तो क्या होगा अब। और एक मिनट, मुझे कोई दिख रहा है वहाँ से, और तुम लोग को भी कोई आवाज आ रही है क्या? बहुत सारी आवाज आ रही है मुझे। हाँ मुझे भी कर रहे हो लोग दूर दूर से। अरे भाई ये जगह लगता है बर्बाद होने वाली है भाई, हमको यहाँ से भागने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जाओ तुम लोग एक काम करो, अपने घर में से हर चीज ले लो, और देखते हैं भाई वो लोग कब तक आते हैं इधर, क्योंकि वो लोग आने वाले थे भाई, ऐसा मुझे न्यूज में बताया था। तो भाई तुम लोगों ने सारे काम की चीजें उठा ली ना, मैंने भाई अपने 64 ब्लॉक ऑफ डायमंड उठा लिया, और मेरे जो पिकेक्स और स्वॉर्ड था वो, और तुमने बंदूक भी ला ली, बहुत सही यार, अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अभी बाहर देख, अभी ये क्या हो गया, अभी वो लोग घुसने वाले, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे भागना पड़ेगा भाई, लगता है ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा यार, इनको तो शॉटगन से भी कुछ नहीं हो रहा। अरे तुम लोग पीछे भागो भाई, मैं तो भाग रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाना, क्योंकि मेरे पास बंदूक नहीं है लड़ने के लिए। और यार हमारा टाउन अब जा चुका है, शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा रेड हो गया है। और भाई उधर में तो कुछ ज्यादा ही लोग थे। वही तो, इसको देखिए, नमूने को देख, उनका एजेंट है सुअर भाई। अब मुझे नहीं लगता कि हमको वहां पे जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये लोग हमारे वाले घर पे ना भाई, जो पूरा टाउन हमने बनाया है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा मीटियर गिरा सकते हैं, और भाई बारिश भी होने वाली है। शिट यार, यहाँ से भागना पड़ेगा पक्का। भागो भागो, जान बचाओ अपनी। अपने घर के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया, और अगले दिन हमारे पास अब रहने की जगह भी नहीं बची है। और अरे मुझे क्यों मार रहे, और मुझे पिस्तौल दे दो भाई सेफ्टी के लिए, क्या पता वो लोग आ जाए। कुछ काम का तो है नहीं, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अरे लेकिन इसके लिए पहले जीपे तो कर इसको। अरे ये कौन सी बात होगी भाई, अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने को। लेकिन यार मुझे तो लगता है कि हम लोग को एक सिक्योरिटी बेस बनाना चाहिए, कि अगली बार हमारे ऊपर जब भी अटैक होना तो हम लोग उससे बच जाए। लेकिन तुम लोग का क्या ख्याल? अरे भाई बेस बना के कोई फायदा नहीं है भाई, देख उन लोग ने हम लोग के पूरे बेस में कब्जा कर लिया है, हमको कहीं पे एकदम अंडरग्राउंड खोद के जाना पड़ेगा शायद। मैं तो सोच रहा हूँ सिक्योरिटी बेस से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा ये वाला बेस अच्छा था, तो हमें अंडरग्राउंड बंकर बनाना पड़ेगा, जो बहुत बार बना चुका हूँ मैं, एक्सपर्ट हूँ सब में। तो ठीक है, हम लोग को एक अंडरग्राउंड बेस ही बनाना चाहिए, जो कि एकदम बंकर समान रहेगा, और वहाँ पे हम लोग अपनी सिक्योरिटी की चीजें लगा देंगे। और मैं क्या बोलता हूँ ना, हमारे पास जो कैमरा थे ना, उसको बीच बीच में लगाते हुए चलो, और हम लोग को पता चलेगा कि इनकी वेव कहाँ तक पहुंची, तो उस हिसाब से हम लोग अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे वहाँ पे। तो यार जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। और भाई तुम में से किसी के पास गाड़ी वाड़ी है क्या? अरे यार भाई मेरे पास है भाई, चलो मेरे गैरेज में। तो तू एक काम कर, जल्दी से जा गाड़ी लेके आ जा, और मैं और डैश तब तक आगे बढ़ते हैं। तो डैश यार मुझे एक बात बता, हमको कौन से बायोम में जाके बनाना चाहिए यार? अरे पीछे तो देखो, बंकर बनाना है। अरे
पीछे तो देखो भाई, लेके आ चुका अपनी कार भाई, थार लाया इसने तो, चलो जल्दी। अरे तू किस तरीके से खड़ा हुआ है, तो जल्दी चल, एक काम कर, मैं तो सोच रहा हूँ हमको एक सैंड वाला बायोम ढूंढना चाहिए और उसी के अंदर हमको अपना पूरा बंकर बनाना चाहिए। अरे पर रेती गिर जाएंगे ना अपने ऊपर। अरे हाँ यार, तो तुझे क्या लगता है हमको कहाँ जाना चाहिए? अरे यार तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो भाई, देखो जहाँ तक के पेट्रोल खत्म नहीं होता वहाँ तक के चलते हैं, फिर वहीं पे हम लोग अपना बिल्ड कर देंगे। घूम के इधर ही मत आ जाना। हाँ ये भी बात है, जितना दूर हो सके उतना दूर अच्छा है भाई, वो लोग आने वाले होंगे। वैसे वो लोग चल तो शायद तेज नहीं पाएंगे हमारे कार से ज्यादा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं यार। अरे भाई, अरे एक मिनट भाई, इसका पेट्रोल खत्म हो गया यार। और ये क्या? अरे मैं तो लेके घूम रहा हूँ। अरे लेकिन ये भी खाली है भाई, लेकिन पेट्रोल नहीं है, क्या करूँ यार, गरीबी आ चुकी है। फ्यूल दिखा रहा है 0%। मतलब यार हमको इधर में कहीं अपना बंकर बनाना पड़ेगा, तो काम करते हैं यार, इधर ऊपर में खोदते हैं। अब भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो हमको लगता है यही काम करना होगा। तो जल्दी जल्दी आओ यार, यहाँ पे खोदना चालू करते हैं। सबसे पहले चार ब्लॉक को खोदो और फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। और भाई जमार कौन रहा है भाई, खोदो जल्दी। तो चलो यार, अभी हमने तीनों ने मिलकर तो इतना बड़ा पोर्शन खोल दिया है और ऊपर में भी डैश पता नहीं वेट कर रहा है। और मैंने सोचा ना कि ये जो चार ब्लॉक मैंने खोदा है ना, इसके जस्ट मैं और चार ऐसे खोल देता हूँ और इसके बीच में लावा डाल। और डैश यार तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे और क्या आवाज आ रही है। तो एक काम कर, अभी तू ऊपर है ना, ऊपर से भाई लावा ला ले, यहाँ पे हम लोग बीच में लावा रखेंगे। अगर उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया ना कभी, तो यहाँ से वो सीधा नीचे गिरेंगे इसके अंदर और वो आधे तो इधर ही जल के खत्म हो जाएंगे। और अरे लावा तूने इतने जल्दी ला ली? लावा नहीं, फेक वाटर लेके आया हूँ मैं, तुझे पता भी नहीं है क्या ये। वो भी ठीक है, और ये कैसे कर सकता अभी भाई, यहाँ की दीवार रखी है कैसे ब्रिक्स है? अरे भाई मैं लेके घूमता हूँ अपने साथ, रुक मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है भाई यहाँ पे, ये दोनों पता नहीं बहुत तेज काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर तू पूरा लावा डाल दे, रुक जा। अरे तो पहले ये देख ले भाई, लावा नहीं लेके आया हूँ मैं, फेक वाटर लेके आया हूँ भाई। यही रख दे, उनको बस डैमेज पड़ना चाहिए, तुझे पता है ना इससे डैमेज होता ही नहीं। और अब राहुल ये क्या कर रहा है तू? अरे भाई ये भी तो चाहिए होगा यार, हम लोग बंकर में कब तक के रहेंगे भाई, इसी के लिए तो हम लोग इतना नाटक कर रहे हैं। इसको हटा, ये क्या है, कुछ भी हो इसको दूर रखना, बेकार चीज है भाई, पानी फेंक दे वाले, इन लोग से तो बचना है हमको। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये पूरा एरिया कवर करते हैं भाई, हमारे जाने का रास्ता ये रहेगा, हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहाँ से वो लोग अंदर है। भाई अभी हम तीनों ने मिलकर इतना बड़ा रूम तो यहाँ पे बना दिया। और अरे डैश क्या कर रहा है भाई, तेरे अंदर इतना डर आ गया क्या, क्या कर रहा है? बट डर उनको होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। अरे भाई क्या फालतू बातें कर रहे हो यार तुम लोग, यहाँ पे रात होने वाली है भाई, लगता है आज रात को हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा भाई, उन लोगों को पता चल गई होगी हमारी लोकेशन। भाई राहुल ने उनमें से किसी एक को मार दिया था ना, इसलिए वो हमारे पीछे लग चुके हैं, तो अभी हमको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना भाई, ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत भयानक से फेंस है भाई, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, और जैसे वो लोग अंदर घुसेंगे ना उनको वो लगने वाला है, लेकिन वो हमको शौक। अरे तू पानी में क्यों जा रहे भाई, डैमेज हो जाएगा तुझे। अरे मुझे नहीं होने वाला भाई, बता रहा हूँ, मैंने निकाला पानी। और यार डैश तब तक तू भी कुछ काम कर ले भाई, मैंने तो अपना फेंस ले लिया, मैं यहाँ पे पूरा फेंस लगा देता हूँ, और तब तक तू क्या करेगा? मेरे हाथ में लेजर नहीं दिख रहेगा तुझे, लेजर अभी मैं ऊपर लगाने वाला हूँ, और जैसे वो लोग टच करेंगे मरने वाले, क्योंकि मुझे पता है उनको दिमाग नहीं है। तो एक काम करते, यहाँ से मैं तो निकल रहा हूँ भाई आगे। मतलब किधर, तू ये वाले टनल में लगाएगा क्या ऊपर वाले? और क्या भाई, जो भी खुदेगा मरेगा क्या भाई? और इधर इधर मैं थोड़ा फेंस लगा देता हूँ एकदम रैंडम तरीके से, भाई इसको छूते बराबर उन लोग को मौत मिल जाए भाई, आते जाते तो इधर ही मरे। अरे भाई बाहर एक मिनट यार, ये क्या हो गया? क्या एक मिनट भाई, मैं आ रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ इसको। और भाई एक मिनट, यहाँ पे स्किबड़ी भी आ चुका है। स्किबड़ी रुक जा, मैं आ रहा हूँ जल्दी से, रुक भाई, बहुत ज्यादा गंदगी फैला दिया उस। और एक मिनट भाई, ये क्या, अबे ये फिर से आ गया, इसको मार। अरे यार भाई, यार मैंने तुमको बल बोला था यार, यहाँ पे बचा बचा उधर, अबे इन लोग को छोड़। लेकिन ये क्या करके गए अपने बंकर के पास भाई, लगता है वही तो अच्छी भाई, क्या गंदगी है ये। अरे भाई ये उनके आने का संकेत है यार, भाई नीचे चल, वार्निंग साइन है, अपना काम जल्दी से चालू रखते हैं भाई, ये तो गंदगी करके चले गए यहाँ पे, क्या हालत कर उन्हें हमारी, जल्दी जल्दी यहाँ पे आके मैं फेंस लगा देता हूँ। और भाई उसके बाद यार मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ से एक भागने का और रास्ता बनाते नीचे की तरफ, हमारा बंकर थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको नीचे जाने के लिए, क्योंकि यार वो लोग बहुत सारे आने वाले हैं और उनसे हम लोग बच ही पाएंगे। तो मैंने और राहुल ने मिलकर ये वाला फ्लोर भी बना दिया और ये हमारा लास्ट फ्लोर रहेगा। वैसे हमको ये वाली जगह नहीं बनानी चाहिए थी। और राहुल तूने वो कैमरा लगाए थे ना, उसका क्या हुआ? हाँ यार ये देख, ये ले उसका मॉनिटर। ये भाई मॉनिटर मेरे पास मिल गया, तो कैमरा तूने इंस्टॉल करके आ गया ना। और डैश किधर है राहुल, कुछ बताया उसके बारे में, किधर चला गया वो? अरे वो कोई ना खास एक ब्लॉक लेके आने वाला है और वो लोग शायद तोड़ नहीं पाएंगे फिर स्किबड़ी टॉप वाले लोग। अच्छा हाँ यार, मुझे बताया था भाई, मुझे लगता है हमको ये पूरे ब्लॉक तोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लॉक ला रहा है ना अभी डैश, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है भाई। वो वाले ब्लॉक किसी से टूटते नहीं है भाई, उसके बाजू में अगर हमने TNT भी फोड़े ना, फिर भी उस ब्लॉक को कुछ होगा नहीं। तो जल्दी से ये एरिया को वापस से साफ कर देते हैं और उसके बाद हम वो वाला ब्लॉक लगाएंगे। अरे यार फ्लिक एक बार कैमरा तो देख, क्या पता वो लोग आ गए हो यहाँ पे। और यार डैश भी पता नहीं कहाँ पे गया अभी, मुझे खुद नहीं पता, एक मिनट कैमरा चेक करता हूँ। और पहले कैमरे में अभी डैश क्या कर रहा है सर? हेलो डैश, अभी तू क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है डैश को कुछ आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे स्किबड़ी पीछे पड़े और भाई कैसे तैसे बचा एक पेड़ के ऊपर राहुल। अभी इसको बचाना पड़ेगा लगता है हमको जाके। और भाई चल 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 भाई, हमको जाना चाहिए इसके पास, थोड़े बहुत स्किबड़ी दिख रहे मुझे, इन लोग को तो हम लोग मार ही सकते हैं, लेकिन इन लोग को अगर हमने मारे ना तो बहुत सारे आ जाएंगे भाई। इसके पास एक पानी था, उससे इसने कुछ को मार दिया, लेकिन एक काम करते हैं भाई राहुल, जल्दी चल डैश के पास, चल उसको बचाने चल। अरे मैं आ गया और तू जल्दी से बाहर आ यार, यहाँ पे तो एक भी नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ पे इतने सारे मार इनको। और भाई मौसम भी खराब हो गया भाई, तुम दोनों गरीब कहाँ से आ गए भाई? मैं इनको मार रहा हूं वाले मिनी गन से भाई, मुझे भी एक मिनी गन दे यार जल्दी से। ये ले ले भाई, तुम लोग काम करो, इधर क्यों आ गए तुम लोग गरीब लोग? अरे तू फंसा हुआ था भाई, मैंने कैमरा में बोला भाई, मैं तो गेम ले रहा था इनकी भाई, मारो इनको, मारो भाई जम मार यार भाई, मौसम खराब हो चुका है यार, चल जल्दी से यहाँ से भाग यहाँ से भाई, मौसम बर्बाद हो चुका है।
जल्दी जल्दी मारो जितने बाकी है, अब हमको अपने घर में जाना पड़ेगा। और भाई ये क्या हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा बेकार हो गया, चलो चलो जल्दी भागो। चलो यार हम लोग बच के अपने घर में तो आ गए। और डैश क्या कर रहा था यार उधर भाई, तू मरने वाला था अभी? अरे कोई मरने नहीं वाला था यार, मैं पुराने टाउन में गया था अपने, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लेके आना था वहां से। और देख मैं क्या लेके आया हूं यहां पर, गोल्डन एप्पल पकड़ लो तुम लोग। भाई क्या बात है, गोल्डन एप्पल लेके आ गए भाई, इतने गोल्डन एप्पल इसने ला दिया जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे वॉर में। अबे भाई कितने सारे, और क्या लाए तूने? अरे पुराने घर में खजाना था, और ये देख सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए गया था मैं। ये पकड़ तू भाई, ये टूटने नहीं वाले, ये वाला डायमंड की ब्लॉक कोई नहीं तोड़ सकता है। ब्लॉक भाई मैं तो उठा ही नहीं पा रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा भारी है गए। और क्या, तो हम लोग को भाई ये वाले ब्लॉक को तो सबसे नीचे वाले फ्लोर में लगाना चाहिए ना, जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। और उसके बाद शायद आज रात को 20 मिनट बाद ना भाई वो पूरे आने वाले हैं। तुझे कुछ पता चला क्या बताऊं? अरे टाउन छोड़, टाउन के जस्ट बाजू में एक बड़ा सा स्क्यूबी टॉयलेट है, मतलब कम से कम 50 ब्लॉक का है भाई वो, सोच इतना बड़ा है वो। 50 ब्लॉक बीडी टॉयलेट भाई, मतलब और क्या, बंकर से बड़ा है। अरे अगर उसने अपनी गंदगी कर दिया ना, ये बंकर पूरा गंदा हो जाएगा, इतना खतरनाक है। तो भाई उस राक्षस से तो हमको बच के रहना पड़ेगा। अभी काम करते हैं भाई, जल्दी से लास्ट वाला फ्लोर बना देते हैं हम लोग, नहीं तो सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी ये लगाना चालू करो भाई बाजू, मेरे पास जितने भाई सारे लगा दे। भाई हमारा ये वाला एकदम प्रूफ वाला घर बन चुका है, और इसके अंदर तो हमको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे। आधा गेम तो हम लोग इस वाले कमरे में जीत जाएंगे। और डैश कुछ और बता, और कुछ करना बाकी रह गया? और क्या, आर्मर पहना बचा है, ले पकड़ आर्मर। तूने ये डायमंड का आर्मर कब ला लिया? डावर का आर्मर नहीं, डायमंड का आर्मर है। यार एक मिनट, तुझे ऊपर कोई आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, अभी ये कैसी आवाज है भाई, बॉम्ब फूट रहे बार। अरे भाई बाहर आओ भाई, बाहर आओ। भाई मैं कैमरा में, कैमरा देख पहले, कैमरा में यार। अभी ये क्या पूरी बरात है, हमको लड़ना पड़ेगा। चलो हम लोग वापस से ऊपर चलते हैं, डैश जल्दी ऊपर चल, अब इनको मारना चाहिए। कोई आया नहीं लेकिन, अरे डर गए सब लोग। अरे तो यहाँ थोड़ी ना आएंगे, ऊपर आएंगे भाई, देखते हैं लेकिन वो लोग कहाँ से घुसते हैं। अभी एक मिनट यार, ऊपर देख के आते हैं। अरे भाई हम क्यों जाएंगे लेकिन? तो ठीक है यार, मैं कैमरा में ही देख लेता हूँ। और ये क्या, कैमरा के जस्ट सामने इनकी वैल्यू तो बढ़ते जा रही है। बगला तो भाई कैमरा के सामने खड़ा है, शायद कैमरा देख के डर गया भाई, मुझे आगे देखने भी नहीं दे रहा कितने सारे हैं। भाई मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इनसे। काम कर, कौन इधर? राहुल ये देख भाई, तू भी देख क्या हालत हो रही है भाई। अब मौत का समय आ चुका है भाई, हथियार निकालो जल्दी से। यार क्या, मैंने मिनी गन निकाल दिया, अब इनका वेट करते हैं एक बार यहाँ से नीचे आने का। भाई लेकिन डैश इधर गया राहुल। भाई एक सेकंड देख, मैंने कोई टेक्निक लगाया, नीचे देख कौन है। मार इनको, अबे मैं मार। अरे भाई भाई, अरे इसको मार भाई, मैं मरने वाला हूँ, बचा मुझे। अरे मरो मत भाई, मैं इधर देखो क्या खतरनाक कर रहा हूँ। भाई वापस गिरना चालू हो गए। और भाई इधर तो बहुत सारे मर जा रहे हैं, इतना गोली चला रहे हैं। अरे मार भाई, मैं ऊपर मर जाऊंगा, शिट, बचाओ मुझे कोई। अरे तू देख जल्दी से भाई, ऊपर की पॉपुलेशन गई क्या? शायद पहला वेव खत्म हो गया मुझे लग रहा है। और है क्या ऊपर? नहीं है ना, बेचारे बोलो कोई गया नहीं है यार। ऊपर की वेव खत्म हो चुकी है, मैं नीचे आ रहा हूँ भाई। नीचे लड़ते लड़ते पागल हो चुका हूँ मैं, अब और नीचे लड़ेंगे। पता नहीं यार सेकंड वेव कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, पहले वाले में तो हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। लेकिन मेरे पास 5 एनचार्टेड गोल्डन एप्पल पता नहीं कहाँ से आ गए, तूने फेंका था क्या ऊपर से? और क्या भाई, थोड़े बहुत पड़े हुए थे, मैंने फेंका था। अरे अरे मेयर का साइन कहाँ से आ गया फिर से यहाँ पे? अरे अरे ये क्या किया तूने, जान दो भाई मेयर के साइन को। अब एक काम करते, सबसे नीचे वाले उसमें चलते हैं भाई, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। तो भाई चलो हम लोग सबसे सेफ वाले रूम में तो आ गए। और वापस से आवाज आई तुमको भाई? बहुत गंदी आवाज है भाई। अरे भाई सब फड़फड़ वाली आ रही आवाज भाई, मुझे खुद कुछ ही समझ में आ रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी आवाज है, लगता है कुछ ही भाई लगता है वो बड़ा वाला है भाई, एकदम फुट वाला आया होगा शायद। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे इतने सारे, अरे भाई भागो भागो, जान बचाओ। ये क्या हो गया, पूरा फोड़ दिया तुमने भाई, पूरा ऊपर हो गया। और ऊपर कितने सारे आ रहे हैं भाई, इनको मारो जल्दी जल्दी, लगता है लास्ट वेव है। अभी अपना तो पूरा बंकर ही खत्म हो गया, और उधर मेयर का साइन बचा हुआ है। पर एक मिनट यार, ये बंकर फूट कैसे सकता है भाई, बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया भाई ये जगह तो। भाई फट भी रहा है ये धीरे धीरे। भाई लगता है हमको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाके लड़ना पड़ेगा जितने बात। अरे ऊपर जाएंगे कैसे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। अरे ये लोग खुद ही खुद रहे यार, और भी अच्छा है। मैं ऊपर आ गया, और आगे देख, आगे देख, भाग यहाँ से। अबे कितने सारे भाई, भाई भागना पड़ेगा। अबे यार बंकर कुछ काम नहीं है भाई, भाई इनसे हार गए शायद हम लोग भाई, पूरा बंकर बर्बाद कर दिए। अब मुझे नहीं पता हम लोग कैसे लड़ेंगे भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा ये जगह छोड़ के। भाई ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले हैं यार। अबे तो एक बार पीछे तो देख, क्या देखने लायक कुछ बचा है भाई? ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे शायद, तो दूर से मारने का ट्राई करता हूँ। भाई नहीं मरने वाले भाई, हमको ये जगह भी छोड़ के भागनी पड़ेगी। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय, और मैं देखता हूँ भाई इनको कैसे मारना है।